क्या आप गुजरात और राजस्थान और आने वाले जो भी हिमाचल प्रदेश चुनाव है उसके लिए आप द कश्मीरी फाइल्स का इतना प्रचार कर रहे हैं, आप हिंदुओं और मुसलमानों के भाईचारे को सीधा टारगेट करके पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण कराना चाह रहे हैं आने वाले राज्यों में चुनाव में, ऐसा साफ प्रतीत होता है। वरना इस तरह से द कश्मीर फाइल्स का ही सिर्फ क्यों प्रचार कर रही है बीजेपी और कोई फिल्म अच्छी नहीं बनी है देश में? इसका मतलब यह है कि 1964 के जमशेदपुर दंगों से लेकर 2002 के गोधरा कांड इत्यादि के संदर्भ में जो भी आज तक विमर्श हुआ वह इस देश के बंटवारे के लिए होता रहा। यह हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने के लिए होता रहा। भागलपुर दंगों का जिक्र, मलियाना के दंगों का जिक्र, मेरठ के दंगों का जिक्र, कानपुर के दंगों का जिक्र, मुंबई के दंगों का जिक्र, मेरे सवाल का जवाब नहीं हो सकता कि हिंदू और मुसलमान के बीच में भेद बढ़ जाए। मेरे जवाब कृपा करके मुझे बोलने तो दें। ठीक है, नहीं मैं मुझे मुझसे आपने जो सवाल पूछा पहले मेरा उत्तर तो सुन ले, सुन ले तिवारी जी, इतना उद्वेलित होने की आवश्यकता नहीं है। आराम से देखिए, एक बात ये, दूसरी बात आप मुझे कृपा करके बताइए क्या ये सत्य नहीं है? सुन लीजिए तिवारी जी, शाउटिंग मैच, तिवारी जी सुन लीजिए, तिवारी जी सुन लीजिए, तिवारी तिवारी जी को बुलवा लीजिए। किशोर तिवारी आवाज नहीं जा रही क्या आपके बीच में? किसी ने बोला था शुक्ला जी झूठ बोल रहे हैं, आपके बीच में किसी ने बोला था? नहीं, शाउटिंग मैच नहीं, दो लोग बोलते हैं तो नहीं सुनाई देता। आपको आपके सत्य से भी वाकिफ करवाता हूँ। श्रीमान संजय राउत कह रहे हैं कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। श्रीमान संजय राउत इस बात को भूल जा रहे हैं कि शिवसेना के चार सांसद, तब चार ही सांसद 1989 में चुनकर आए थे, उन चार सांसदों का समर्थन भी श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को था। एक, इससे आपके हाथ धुल गए। 1993 में बाकायदा इससे आपके हाथ धुल गए शुक्ला जी। पनून कश्मीर नहीं, सुन लीजिए ना, हमारे इससे शुक्ला जी के हाथ नहीं, हमारे हाथ तो धुले हुए ही हैं, हमने क्योंकि हमारे हाथ गंदे हो तो धोने पड़ते हैं, हमारे हाथ धुले हुए हैं। अरे हमारी क्योंकि हम तब भी जो है तब भी हम आतंकवाद के विरोध में थे, आज भी आतंकवाद के विरोध में, सिर्फ इनके स्मृति भ्रंश के रोग को याद दिला रहे हैं। तिवारी जी प्लीज सर, चिल्ला रहे हैं, ये तू तलाक कर रहे हैं ना तिवारी जी, प्लीज सर, शुक्ला जी। अब देखिए 1947 से लेकर 1990 तक क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू एवं कश्मीर में थी? जम्मू एवं कश्मीर में वहां के आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा क्या भारत सरकार और जम्मू एवं कश्मीर की सरकार का नहीं था? जम्मू एवं कश्मीर की सरकार में 1986 से जो डेडलाइन आप बता रही हैं से लेकर 1990 तक क्या फारूक अब्दुल्ला की श्रीमान राजीव गांधी द्वारा संरक्षित सरकार नहीं थी? जीएम शाह जो हिंदुओं का कत्ले आम करवा रहे थे, उन जीएम शाह की सरकार क्या श्रीमान राजीव गांधी की सरकार नहीं थी क्या? और श्रीमान राजीव गांधी की और श्रीमान जगमोहन के बारे में जो बार बार कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी कहते थे, हाँ निश्चित तौर पर 1995 के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन 1977 में क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नजदीकी होने के कारण उनको दिल्ली में जो है वो ब्यूटिफिकेशन की जिम्मेदारी संजय गांधी ने सौंपी थी? 1981 में पद्मश्री क्या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता होने के नाते बनाया था? 1985-1989 में उनको जगमोहन को राज्यपाल जम्मू एवं कश्मीर का क्या भारतीय जनता पार्टी के संबंधों के कारण बनाया गया था? कृपा करके ये भी उत्तर दे दें प्लीज। वेट, लेकिन आपने शुक्ला जी बहुत ही चालाकी कृपा करके क्रैश कोर्स करा दिया हमारे दर्शकों को, हिस्ट्री का क्रैश कोर्स करा दिया, लेकिन आपने अपनी जवाबदेही पर जरा सा नहीं बात की, जरा सा नहीं बात की। हमारी जवाबदेही है ना 100%। प्रचार क्यों कर रहे हैं? हम ही है जो 370 हटाकर जम्मू एवं कश्मीर में शांति ला रहे हैं, हम ही है जो हुर्रियत कानून का दमन कर रहे हैं, हम ही है जो संवैधानिक तरीके से एक फिल्म का ना करे और एक सत्य का प्रचार करने में क्या आपत्ति है? क्यों ना करे सत्य का प्रचार, उत्पीड़न का प्रचार, बंधुत्व की हत्या का प्रचार, हिंदुओं को लगातार नरसंहार को दबाए जाने वाले जो एक इकोसिस्टम था उसके उसके बारे में
उसका पर्दाफाश करना, ये हमारा लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है और हम करेंगे, क्यों ना करें। चरण सिंह सावरा साहब कुछ चिट्ठियां लिखी थी उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को, और इन चिट्ठियों में उन्होंने खुलकर कहा था कि जो यहां पर हो रहा है वह स्वीकार्य नहीं है। तो जवाबदेही सबकी बनती है, कश्मीरी पंडितों का कौन है, उनका कसूरवार कौन है? सापरा साहब देखिए, अंजना जी, सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि 1990 में जो घटना हुई है हम उसके विरोध में हैं और कश्मीरी हिंदुओं के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। जिस तरह से आपने प्रश्न पूछा कि जगमोहन जी ने राजीव जी को लिखा था, तो ये भी बता दूं कि बीच में एक कार्यकाल ऐसा भी था जब राजीव गांधी जी ने जगमोहन जी का विरोध किया था और जगमोहन जी को हटाया गया था, फिर 1990 में उनको वापस लाया गया। वो राजीव गांधी जी की पेशकश नहीं थी, वो उनकी रिकमेंडेशन से नहीं लाया गया। ये वस्तु स्थिति है जिसको सबने मानना पड़ेगा कि उस समय वहां पर मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के होम मिनिस्टर थे और वीपी सिंह की सरकार को भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट था, और जब ये वहां पर कांड चल रहा था तब भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी और एलके अडवाणी ये रथ यात्रा निकाल रहे थे, और नरेंद्र मोदी जी जो आज प्रधानमंत्री है ये उस रथ यात्रा के चैंपियन बने हुए थे, उसके एक इवेंट मैनेजर बने हुए थे। तब इनकी आवाज क्यों नहीं निकली? तब राजीव गांधी जी को जाकर के पार्लियामेंट का घेराव करना पड़ा और ये आदेश निकलवाना पड़ा जबरदस्ती कि मिलिट्री जो है उसका फ्लैग मार्च होगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, ये राजीव गांधी जी ने किया है। ऐसे तमाम सारी चीजें हम कतई उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन कोई फिल्म अगर जख्म दिखाए तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन कोई जख्मों पर नमक छिड़के या जख्मों को हरा करे, भारतीय जनता पार्टी की टूल किट का हिस्सा बने और भारतीय जनता पार्टी को प्रचार के अंदर मदद करे, तो निश्चित रूप से जनता के मन में एक क्वेश्चन मार्क आएगा और जनता ये सवाल पूछेगी जो आज जनता पूछ रही है कि देश के प्रधानमंत्री, क्या देश के अंदर सारे समस्या खत्म हो गई है? महंगाई खत्म हो गई है? बढ़ती हुई बेरोजगारी खत्म हो गई है? चरमराती अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है? क्या ट्रेडर की समस्या या प्रवासी मजदूरों की समस्या खत्म हो गई है? देश के प्रधानमंत्री इसके ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, इस फिल्म के चीयर लीडर बनते हैं। देश की तमाम सारी समस्याओं को छोड़ करके देश के प्रधानमंत्री भी इस फिल्म के प्रचार में लग जाते हैं। पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कश्मीरी पंडित 1990 में ये मिलिटेंट और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनका तोपचारा या कैनन फॉडर बने थे, आज ये भारतीय जनता पार्टी का कैनन फॉडर बन रहे हैं, इसीलिए देश के अंदर ये सवाल पूछे जा रहे हैं। अंजना जी, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि अगर ये फिल्म ईमानदारी से अगर सच्चाई दिखाई है तो सभी कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलना चाहिए, उनका पुनर्वसन भी होना चाहिए, रिकॉन्सिलेशन भी होना चाहिए, लेकिन अगर इसमें ट्विस्ट है, अगर इसमें नफरत को बढ़ावा दिया गया है, तो निश्चित रूप से वो जख्मों को कुरेदने वाली बात है। अमित रैना साहब, कुरेदना अच्छा नहीं है, देश की सद्भावना को ठेस पहुंचेगी, गंगा जमनी हमारी जो परंपरा है उसमें ठेस पहुंचेगी।